हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए झटपट बनने वाली एक ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप बच्चों को टिफिन में बनाकर दे सकते हैं या फिर आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही में आपके घर में अवेलेबल होने वाले सामग्री से ही ये बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल जिसमें हम ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी आप यहाँ पे बारीक या मोटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ी कटोरी सूजी हमने यहाँ पे ऐड की है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो लगभग 250 ग्राम हमने यहाँ पे सूजी ली है। सूजी को ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे दही। दही हमने यहाँ पे 5 बड़े चम्मच ऐड किया है। लगभग आधा कप आपको यहाँ पर दही ऐड करना है। तो 4 से 5 बड़े चम्मच आपको दही ऐड करना है। दही थोड़ा सा कम या ज़्यादा होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 1.5 गुना पानी ऐड करेंगे जितनी हमने सूजी ली थी। तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली थी तो हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी पानी हमने ऐड कर दिया है और फिर से हम यहाँ पे 1/2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। यानी हमने 1 कटोरी सूजी ली थी तो हमने 1.5 कटोरी पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए साइड में रख देंगे। तो जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक हम देख लेंगे यहाँ पर हमें कौन कौन सी सब्जियाँ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 छोटी शिमली मिर्ची ली है जिसे हमने इस प्रकार से कट किया है, और उसी के साथ हमने 1 छोटा टमाटर लिया है जिसे हमने इस प्रकार बारीक बारीक कट किया है, और उसी के साथ अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब धनिया, और साथ में हम ऐड करेंगे 1 छोटा ऑनियन जिसे हमने इस प्रकार से कट किया है, और उसी के साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 हरी मिर्ची जिसे हमने इस प्रकार एकदम बारीक बारीक चॉप किया है। तो ये सारी सब्जियाँ हम यूज़ करने वाले हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटर कुछ इस प्रकार का है। तो इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बस सारी सब्जियाँ ऐड करनी है। तो बाउल थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो हम दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप पहले ही थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लीजिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे हमारा ऑनियन, साथ में शिमला मिर्ची, और उसी के साथ हम ऐड करेंगे टमाटर, और साथ में ऐड कर देते हैं हरी मिर्ची और हरा फ्रेश धनिया। इन सबको ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस के ऊपर एक पैन रख देंगे और पैन को जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो ऑयल को स्प्रेड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बैटर, जितने भी साइज़ का आपको यहाँ पे उत्तप्पा बनाना है। यहाँ पे सूजी का उत्तप्पा है तो इसे इस प्रकार से पैन के ऊपर ऐड करेंगे और फैला देंगे। तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसकी साइज़ थोड़ी सी मोटी ही होनी चाहिए। तो फैलाने के बाद जो है हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो लगभग 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, हमने इसे ढक्कन लगा कर रख दिया था। अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो है उत्तप्पा है इस प्रकार बन चुका है। अब हम इसे पलट देंगे और फिर से हम दूसरी साइड से इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब हमें इसके ऊपर ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसे साइड में प्लेट में निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया हमारा उत्तप्पा बनकर तैयार है। अब उसी प्रकार से हम फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को और उसमें फिर से थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमने छोटे छोटे ही उत्तप्पे बनाए हैं। इसे बनाने के बाद जो है हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑनियन। तो हम इसे अलग स्टाइल से आपको बनाकर दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा ऐड करेंगे टमाटर, साथ में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा धनिया। तो इस प्रकार ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख देंगे। जो पहले हमने उत्तप्पा बनाया वो बहुत ही सिंपल बनाया, ऊपर से हमने ऑनियन और टमाटर नहीं ऐड किया था। तो ये हमने थोड़ा सा अलग स्टाइल से दूसरा उत्तप्पा आपको बनाकर दिखाया है। 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटा दिया है और इसे हमने पलट दिया है। पलटने के बाद फिर से हम इसे दूसरी साइड से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो लगभग यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में साइड में निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से उत्तप्पे बनाकर हम रेडी करेंगे। आप चाहे तो सिंपल बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से ऊपर से ऑनियन और टमाटर डालकर भी बना सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं।
बनने के बाद ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट लगते हैं। हमने एक प्लेट लेकर इसे सर्विंग कर लिया है, तो कोकोनट की चटनी के साथ ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इसका लगता है। तो आप कोकोनट चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या फिर आप टोमेटो सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों भी अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने से ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप अपने घर पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।